आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ ही दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आजाद नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे हुए उनके इस्तीफे की चिट्ठी में 5 पन्ने की थी। इस्तीफे के पन्नों में 7 किरदार और 3 हालात हैं। सबसे सख्त बयान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर दिया है। आजाद ने उन्हें कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताई है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा है कि दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री और खास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तब राहुल गांधी ने पार्टी में चल रही सलाह को मैकेनिज्म की तरह तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन करना शुरू कर दिया और गैर अनुभवी चापलूसों को नए ग्रुप में शामिल कर लिया जो पार्टी नहीं चला सके। यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी को कहा है कि आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हुई हैं, सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उनसे भी बदतर ये है कि उनके सुरक्षाकर्मी और उनके पीए ये सब फैसले लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी से अलग उसी G23 समूह के हिस्सा भी थे जो पार्टी के कई बड़े फैसले लेता था। उन तमाम गतिविधियों के बीच इस इस्तीफे से गुलाम नबी आज़ाद और उनके कांग्रेस के साथ रिश्तों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।